गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। लाइक अपन बात कर रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पूरी प्रोसेस है उसको तीन इवेंट्स में डिवाइड कर रखा है, राइट। नंबर वन इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, नंबर सेकंड इज फर्टिलाइजेशन एंड नंबर थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है। ओके तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, सपोज दैट दिस वन इज द मेल गैमेट, दिस वन इज द फीमेल गैमेट, राइट। दिस वन इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल, राइट। दोनों जो है कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, स्पेशली मेल जो है वो फीमेल के पास में जाता है क्योंकि मेल मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। दोनों के बीच में जो है फ्यूजन होगा, सिन गैमी, दोनों के अंदर सिन गैमी होगी, राइट। सिन गैमी इन द सेंस वी कैन से फर्टिलाइजेशन, सिन गैमी इन द सेंस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में टू सेल स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज नोन एज जायगोट, दैट इज नोन एज जायगोट। जायगोट जो है ये टू सेल, सॉरी जायगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर दैट, जायगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है नेचर के अंदर, ये डिप्लॉयड होती है, टू एन होती है और सिंगल सेल होती है, टू एन होती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। अब जायगोट के अंदर क्या होता है कि रैपिडली डिविजन्स होते रहते हैं। जायगोट के अंदर जो रैपिडली डिविजन्स होते रहते हैं, दोज डिविजन्स आर माइटोसिस, दोज डिविजन्स आर माइटोसिस। और इन माइटोसिस को जो है अपन इक्वेशनल डिविजन भी बोल सकते हैं, माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। मतलब कि अब जितनी भी सेल्स बनने वाली हैं सारी की सारी सेल्स ऐसे होंगी, डिप्लोइड ही होंगी, राइट। अब जैसे ही जायगोट के अंदर माइटोसिस होता है, जायगोट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो, जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो के अंदर जो कन्वर्ट होता है या फिर एम्ब्रियो जो फॉर्म होने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, we can call the process by which embryo is formed, the process by which embryo is formed, the process is known as embryogenesis, right। ab embryo ke andar bhi rapidly divisions hote rehte hain and divisions obviously they will be mitotic, divisions will be mitosis, right। embryo will convert into fetus, embryo will convert into fetus after a particular time, एक particular time के बाद में जो है parturation का time आ जाता है, parturation या फिर delivery की process हो जाती है, right। वैसे तो अपन देखें fertilization के बाद में बहुत सारे events देखने को मिलते हैं, बहुत सारे events, just like we can say zygote form होएगा, zygote के अंदर cleavage होएंगे, cleavage होने के बाद में जो है morula बनेगा, then blastula बनेगा, then gastrula बनेगा, gastrula के बाद में जो है then fetus form होगा, फीटस इन द सेंस वी कैन से ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस हो जाएगी, ऑर्गन्स बनने लग जाएंगे एंड देन कन्वर्ट इनटू फीटस एंड देन सबसे लास्ट में आती है पार्चुरेशन की प्रोसेस। ये सारी की सारी प्रोसेस जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर काउंट होती है, बट उन प्रोसेस को अपन चैप्टर नंबर थर्ड में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर ज़्यादा दे नहीं रखा है, दिस इज नॉट एलेबरेटेड ओवर देयर, यहाँ पे ज़्यादा एलेबरेट कर नहीं रखा है। अब जितने भी एनिमल्स हैं सब में तो भाई फीटस का डेवलपमेंट होता नहीं होगा, राइट। जितने भी एनिमल्स हैं सब में तो फीटस का डेवलपमेंट नहीं होता होगा। अभी इसी के बिहाफ पे भी एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर रखा है। नंबर वन इज द ओविपैरस, नंबर वन इज द ओविपैरस एंड नंबर सेकंड इज विविपैरस, नंबर सेकंड इज विविपैरस, राइट। ओविपैरस क्या होते हैं, द एनिमल्स दो ले एग, एगलिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो किसको देते हैं, अंडे को देते हैं, या फिर एगलिंग एनिमल्स को जो है अपन ओविपैरस एनिमल्स बोलते हैं, एंड ऐसे एनिमल्स जो यंग वन को बर्थ देते हैं, ऐसे एनिमल्स जो यंग वन को बर्थ देते हैं, दोज एनिमल्स आर नोन एज विविपैरस। अभी जितने भी ओविपैरस हैं इनकी अगर अपन बात करें तो इनके अंदर जो है मेनली आते हैं बर्ड्स,
बर्ड्स और रेप्टाइल्स जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर ओवीपैरर्स, मतलब कि वो एग को ही देते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इनका जो एग है इसकी आउटर कवरिंग जो है थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि सराउंडिंग से जो अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, दैट इज नोन एज शेल, दैट इज नोन एज शेल। अभी एग जो है ये ऑटोमेटिकली हैच नहीं होता है, इसके ऊपर जो बर्ड्स हैं वो बैठे रहते हैं हमेशा, ऑलराइट, दैट पीरियड इज नोन एज इंक्यूबेशन, दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन। आफ्टर इंक्यूबेशन द एग विल हैच और एग के अंदर से जो है वो बर्ड्स निकल जाता है, राइट। अब बात करते हैं अपन वीवीपैरस की। वीवीपैरस के अंदर जो है यंग वन को राइज करते हैं, जितने भी वीवीपैरस हैं उनके अंदर बच्चे और मदर के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू जो है बच्चा कंटिन्यूसली मदर से न्यूट्रिशन को लेता रहता है, इसी के चलते जो है वीवीपैरस को प्लेसेंटल एनिमल्स भी बोलते हैं। इसी के चलते वीवीपैरस एनिमल्स को प्लेसेंटल एनिमल्स भी बोलते हैं। वी कैन से द एनिमल्स दो आर बियरिंग प्लेसेंटा, दैट कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग किड, ऑलराइट। द एनिमल्स आर नोन एज प्लेसेंटल एनिमल्स। वी ऑल आर एग्जांपल ऑफ वीवीपैरस और वी कैन से प्लेसेंटल एनिमल्स। अपन सारे के सारे जो है वीवीपैरस या प्लेसेंटल एनिमल्स के एग्जांपल हैं, गोट हो गई, बफेलो हो गई, काउ हो गई, ये सारे के सारे जो है किसमें आते हैं, वीवीपैरस में आते हैं। तो ये प्रोसेस जो है एनिमल्स में देखने को मिलती है। एनिमल्स को दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, ओवीपैरस वीवीपैरस, ओवीपैरस गिविंग एग, वीवीपैरस गिविंग राइज टू यंग वंस, ऑलराइट। फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन को सिंगामी भी बोलते हैं, जायगोट फॉर्म हो रहा है, देन एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, देन फीटस फॉर्म हो रहा है, डिवीजन सब कहीं पे माइटोसिस हो रहे हैं, जायगोट एक सिंगल सेल और डिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है, राइट। अब बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, फ्लावर के अंदर एक होता है फीमेल पार्ट, दैट इज पिस्टल, और एक होता है मेल पार्ट, दैट इज स्टैमिन, दैट इज स्टैमिन, राइट। पिस्टल के अंदर जो है फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं, स्टैमिन के अंदर मेल गैमेट फॉर्म होता है, राइट। अब ये मेल गैमेट फीमेल के ऊपर जाएंगे बाय प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ऑलराइट। पॉलिनेशन के बाद में होगा फर्टिलाइजेशन,